सर्वाइकल का न्यूरोथेरेपी में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले सर्वाइकल के लिए बहुत सारे लोगों में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। किसी को गर्दन में स्टिफनेस होगी, किसी को गर्दन में मतलब जो अपर स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हम सर्वाइकल रीजन बोलते हैं उसमें स्टिफनेस हो सकती है, किसी को नेक मसल्स में स्टिफनेस हो सकती है, किसी को दोनों हाथों में दर्द आ सकता है, किसी को चक्कर आ सकती है, किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकती है। तो ये है सारे सर्वाइकल के सिम्टम्स। अब हम उसको ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं या क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट जो है बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं हम फोर मेडुला क्लॉकवाइज। ठीक है जी, फोर मेडुला क्लॉकवाइज। जब हम फोर मेडुला क्लॉकवाइज करेंगे तो उसमें हमने T1 T2 जरूर करना है। अब ये T1 T2 क्या है? T1 मतलब थ्योरेसिक का पहला वर्टिब्रा और T2 जो है वो थ्योरेसिक का दूसरा वर्टिब्रा। उसमें हमने जस्ट जब हम करते हैं तो उसको क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में सर्वाइकल की वजह से आपने देखा होगा कि गर्दन पे बंप बन जाता है। बंप मतलब फैट इकट्ठा हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, उनको फिर गर्दन मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए जब हम देखते हैं तो T1 और T2 वर्टिब्रा जो है पर्टिकुलर उसके ऊपर बंप बनता है, मतलब फैट जहां इकट्ठा होता है वो T1 और T2 वर्टिब्रा होता है। तो हम जब फोर मेडुला क्लॉकवाइज करेंगे तो उसके साथ में T1 T2 जरूर करेंगे। T1 T2 करने के बाद में हम एक पॉइंट जो करते हैं उसको बोलते हैं 3 रमन। सर मैंने आपको उस दिन पूछा था पेरिटोनियम क्या है, तो पेरिटोनियम यस, हाँ हाँ बिल्कुल बताइए, जो कवरिंग होती है या जो लेयर होती है पर्टिकुलरली हम स्टमक या अब्डोमेन की जो लेयर होती है उसको हम पेरिटोनियम। यस, स्टमक की जो लेयर होती है, और स्टमक की ही लेयर नहीं होती, वो पूरी बॉडी में हमारी में लेयर होती है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स कॉलन को छोड़ के। ठीक है, तो उस लेयर को एक्टिवेट करने के लिए हम 3 रमन पॉइंट जो है को करते हैं। उसका काम क्या है? उसका काम है पूरी बॉडी को रिलैक्स करना। ठीक है जी, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना। तो जब हम पूरा ये पॉइंट करेंगे 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2, तो उसके बाद में हमें बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि 4 मेडुला क्लॉकवाइज हमने करना कैसे है। अब ये देखो, इनको है सर्वाइकल की प्रॉब्लम, सपोज दैट, ठीक है, इनका ये जो पार्ट है, अब देख आके भी देख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पार्ट है ये क्या है, पूरा हैवी है, ऊपर उठा हुआ है, और सबसे ऊपर जो वर्टिब्रा उठा होता है उसको हम बोलते हैं T1 वर्टिब्रा, मतलब कोई नहीं, इसको आप पूरा कवर कर दो। ठीक है, सर्वाइकल जो है वो पूरा यहां से लेके यहां तक है C1 to C7, और C7 के बाद में पहला वर्टिब्रा जो आएगा वो होगा T1, मतलब थ्योरेसिक का पहला वर्टिब्रा। ठीक है, अब देखिए 4 मेडुला करने के लिए पाउडर लिया है, दोनों साइड में कान के नीचे जहां पे हम मेडुला पॉइंट करते हैं, यस मेडुला पॉइंट, मेडुला पॉइंट करने के लिए हमारी काउंटिंग जो है वो 8 रहती है। काउंटिंग कितनी रहती है? 8। पहले हमने लेफ्ट में करना है फिर राइट में करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फर्स्ट लेफ्ट देन राइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है जी। ये क्या हो गया हमारा फोर मेडुला। अभी हमने क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज कैसे करना है, तीनों उंगलियां जो हैं इनको साथ में रखे और क्लॉकवाइज करेंगे, देखिए इस तरीके से। अब जिसको सर्वाइकल होगा उसको आप जरा सा भी टच करेंगे तो पेन होगा, ये देखिए ये तीनों उंगलियां मिलाई, अभी हमने क्लॉकवाइज करना है इस तरीके से, ठीक है जी, ये देखिए, ठीक है। और क्लॉकवाइज करते हुए हमने लेफ्ट टू राइट पूरा जो एरिया है गर्दन का, शोल्डर ब्लेड्स का, उसको हमने कंप्लीटली कवर करना है, जिससे कि जो भी स्टिफनेस है वो ठीक हो जाए। अब हमने एक बार ही कंप्लीट उसको क्लॉकवाइज कर दिया है, अगर हमें लगता है कि बहुत किसी को सीवियर सर्वाइकल है, हम इसको दोबारा से कर सकते हैं। गर्दन को और पूरे शोल्डर ब्लेड को, नेक मसल्स को कवर करना है, ठीक है जी। अभी T1 और T2, जैसे हमने फोर मेडुला कर लिया, क्लॉकवाइज कर लिया, अभी हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा है, T1 और T2। T1 और T2 जब हम करेंगे तो दोनों थंब जो है हमारे वो इस तरीके से स्पाइन के बराबर में आ जाएंगे और ये क्लॉकवाइज करेंगे हम, देखिए ये। इससे क्या होगा कि जो बंप बना हुआ है, जो फैट डिपॉजिट हो रखा है, वो पिघलना शुरू होगा, डाइल्यूट होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये T1 T2 अभी ये तीन बार ही करना है हमने हर एक वर्टिब्रा पे, देखो दो मतलब ये एक हो गया, ये दो, ठीक है जी, ये तीन, ठीक है। अभी हमने चौथा पॉइंट कौन सा करना है, थ्री रमन। तो रमन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सीधे बैठो, ठीक है, मास्क निकाल दो आप, अभी जैसे ट्रीटमेंट के लिए आते थे आप तो नाक से सांस लेते थे ना, वही से नाक से सांस लो तेज, पूरा मुंह खोल के छोड़ो, ये जैसे ही आप अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे वो नाक से सांस लेंगी तो तुरंत उनके नेक मसल जो है आपके हाथ में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, देखिए दोबारा से, यस, तीसरी बार। जब भी आप रमन पॉइंट करेंगे तो आप जब मसल्स को उनको होल्ड करेंगे तो सांस कम से कम जो हमने रोकनी होती है, होल्ड करनी होती है, वो कितने सेकंड करनी होती है, 6 seconds, जिससे कि जो हमने सांस ली है एल्कलाइन वाली और पूरी बॉडी में से जितनी भी एसिडिक सांस है वो हम पूरा मुंह खोलने के बाद छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उससे क्या होगा बॉडी जो हमारी वो पूरी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद हम हल्का सा गर्दन के मसल्स को जहां जहां हमने पॉइंट प्रेस किए थे उसको हम रिलैक्स कर देंगे। तो ये कंप्लीटली हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, फोर मेडुला क्लॉकवाइज पॉइंट, जिसको हम किस लिए देते हैं, सर्वाइकल के लिए। किसी को भी अगर कितना भी जबरदस्त सर्वाइकल हो, अगर आप इतना सा करेंगे तो उनको तुरंत आराम मिलेगा, ठीक है जी, ओके।